What is the return on capital employed? Most important parameters है ये एक ही group के companies को compare करने में, जैसे आप FMCG के सभी group के companies को compare करें, IT sector के सभी group of company को compare करें, तो सबसे important parameters में से एक है कि capital employed पे return कितना है। तो ROC जो होता है वो calculate करते हैं कि company जो total capital use किया, जिसमें हम इसको दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म जो डेट है कंपनी के ऊपर, साथ ही साथ शेयर होल्डर का जो फंड है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो उस पे रिटर्न कितना जनरेट कर रही कंपनी, और या आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल एसेट माइनस जो करेंट लाइबिलिटीज है, तो उसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दीजिए, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ROCE होता है। तो ये दिखाता है कितना एफिशिएंसी के साथ कंपनी जो है अपने कैपिटल को यूज करके रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो ये तो हमें एक ही सेक्टर के कंपनी जो सबसे बेस्ट है उसको चूज करने में काफी मदद करेगा और ये काफी हेल्पफुल भी होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम IT सेक्टर के स्टॉक को निकाले हुए हैं, यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगाए हैं 3 ईयर्स का जो एवरेज है, इसमें TCS देखिए 48% है, इन्फोसिस 33% है, विप्रो 20% है, SL टेक्नोलॉजी 27% है, वहीं L&T इन्फोटेक 39% है। तो सबसे बेस्ट कौन है जो कि अपने कैपिटल को यूज करके रिटर्न जनरेट कर रहा है, वो है 48% के साथ। ये कंपनी अपने 100 रुपया पर 48 रुपया का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो काफी बेहतरीन है। वहीं दूसरा जो है दूसरे नंबर पे L&T इन्फोटेक, वो अपने 100 रुपया पे 39.50 रुपीज का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो कितना बेहतरीन है ये दोनों स्टॉक। और उसी के साथ तीसरे नंबर पे है इन्फोसिस, फिर चौथे नंबर पे है माइंडट्री। तो इस तरह से आप सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज को कंपेयर करते हैं कौन सा शेयर जो है बेस्ट है। दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना ही नहीं है, बहुत सारे डिप्थ में आपको जाकर के इसको समझना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें आप जो इसके इम्पोर्टेंट एक लाइन में जो समझाना था वो मैंने आपको बताया। तो इसी तरह के शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।